बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉग एट की प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूं कि पहले मैंने अपने एक लेक्चर में एक बुक बताई थी जो कि एन सीरीज़ की थी, और उसमें मैंने उस टाइम ये कहा था कि जो टाइम आपके पास बचा है, क्योंकि उस टाइम एक्सपेक्टेड था कि 10 और 12 डेज में लॉग एट हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो एन सीरीज़ वाली बुक मैंने कहा था कि वो बेस्ट है उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो अभी चूंकि बहुत सारे लोग उस बुक को गो थ्रू कर चुके होंगे, तो अभी ये चाहिए कि कोई और बुक आप लोग लाजमी तौर पर परचेज़ कर लें और जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रिपरेशन आप लोग कर सकें वो कर लें। दूसरी ये चीज़ के जो सबसे अच्छा तरीका है तैयारी का, वो तो ये होता है कि जहाँ पर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, खुद से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग उसकी लेते हैं, और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर सोचें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि उससे अराइज हो सकते हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपके अपने माइंड में आते हैं। फिर आप अपने फ्रेंड से उनको डिस्कस करें, हो सकता है कि किसी और एंगल से वो कोई और क्वेश्चन पूछ लें या फिर उनके माइंड में आ जाए कि ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेस्ट वे तो यही होगा कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, डिस्कशंस करें, उसके बाद आप लोग थोड़ी देर के लिए हर एक टॉपिक पर सोचें कि कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें कवर हो सकता है या पूछा जा सकता है, उसके बाद उस क्वेश्चन के ऊपर आप वर्कआउट करें। तो ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी फॉर दी प्रेपरेशन। लेकिन अभी जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि मैं आपको स्पेसिफिकली बताता चलूं कि सबसे अच्छी वेबसाइट जहां पर आपको अच्छे एमसीक्यूज मिल सकते हैं इस शॉर्ट टाइम को मद्देनजर रखते हुए, दैट इज गीक एमसीक्यूज, ठीक है, या फिर एमसीक्यू गीक के नाम से वो वेबसाइट मशहूर है। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ लॉ के टॉपिक्स भी उसके ऊपर मौजूद हैं। तो कैटेगोरिकली अगर आप गूगल पर जाएं और लिखें पीपीसी एमसीक्यूज और उसके आगे मेंशन कर दें एमसीक्यू की, सीआरपीसी के भी इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे, सीपीसी के और बाकी एमसीक्यूज वो सारे आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। उसके बाद जो सेकंड वेबसाइट मैं बताना चाह रहा हूँ, दैट इज ऑफ सीएसएस टाइम्स। सीएसएस टाइम्स का फायदा ये है कि वहां पर एक तो आपको लॉग एट के हवाले से भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, दूसरा वहां पर कैटेगरीज उन्होंने बनाई है लाइक नैप टेस्ट है या एफआईए टेस्ट है या जो बाकी वन पेपर हैं उनके हवाले से भी आपको एमसीक्यूज अच्छे अवेलेबल होंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं या मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। तीसरी वेबसाइट जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, दैट इज स्पार्क एमसीक्यूज। अभी बहुत इमर्जिंग और अच्छी वेबसाइट है ये भी, लेकिन जब मैंने इन सारों को क्लोजली स्टडी किया, इन सारों को क्लोजली मैंने देखा, तो कीपिंग इन माइंड द लॉग एट, ठीक है, तो लॉग एट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी सबसे अच्छी गीक एमसीक्यूज में पूरी होगी, ठीक है। तो जो भी आपका रेलेवेंट पोर्शन है या जितना जिस सब्जेक्ट का सिलेबस है उसके हवाले से आप वहां पर एमसीक्यूज देखें और उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना भी टाइम आप मैक्सिमम स्पेयर कर सकें आजकल, वो लॉग एट की प्रिपरेशन के लिए करें, क्योंकि आपका जो लाइसेंस है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ की बिगिनिंग है, ऑफिशियल बिगिनिंग, वो इस लॉग एट से मुंसलिक है। तो इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें, बिल्कुल भी इजी ना लें। अगर आप ये सोच कर जाएंगे कि 50 मार्क्स लेने हैं तो आई प्रॉमिस यू कि 50 कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, आप तैयारी इस हिसाब से करें कि मैंने टॉप के ऊपर रहना है, 80-90 तक मैंने जाना है, तो उससे आपका तो अपना नॉलेज जो है वो रिवाइज होगा। ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस बहाने से किताबें खोल लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं जो कि आप भूल जाते हैं जब वो सब्जेक्ट गो थ्रू करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेज अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं जो कि इंशाल्लाह ताला लॉग एट पास करके अपने लाइसेंसेस लेंगे, और इसके अलावा ओवरऑल जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।